नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो माँ दुर्गा अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखती है, लेकिन यदि नवरात्रों के समय माता जी की पूजा की जाए तो वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रों के दौरान कुछ विशेष उपाय माता जी की पूजा में किए जाए तो वे अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। इसका कारण यह होता है कि नवरात्रों के विशेष दिनों में माता का निवास स्थान पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ माता की मूर्तियाँ सजाई या स्थापित की जाती हैं, वहाँ साक्षात माता का निवास हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसी छोटी चीज़ें जिनका आपको नवरात्रों से पहले विशेष ध्यान रखना है, और अगर आप नवरात्रों से पहले इन चीज़ों को अपनाएंगे तो माँ दुर्गा का आपके घर में वास होगा और साथ ही सुख धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। वास्तुशास्त्र में पूजा की विधि को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आप किस दिशा में बैठकर पूजा करें और कहाँ बैठकर पूजा करने से आपको पूर्ण माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। नवरात्रों से पहले ये ध्यान रखना है कि माता का स्थान वास्तु के अनुरूप हो। वैसे तो वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दिशा शुभ मानी गई है, लेकिन हर दिशा के अपने खास देवी देवता होते हैं। और अगर माँ दुर्गा की बात की जाए तो माँ दुर्गा का क्षेत्र दक्षिण दिशा माना गया है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि माता की पूजा करते समय हमारा मुख या तो दक्षिण दिशा में हो या फिर पूर्व दिशा में रहे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके माँ का ध्यान करने से हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। जब आप माता जी की पूजा की तैयारी कर रहे हों तो पूजा संबंधी सारा सामान पूजा कक्ष के दक्षिण पूर्व दिशा में लाभदायक माना जाता है। इससे पूजा कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।